तो हम लोग है वार्ड 13 में, और वार्ड 13 की एक गली में हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से, किस तरह से आप देखिए कि ये तारे लटकी हुई है, गंदगी का आलम भी है। यह है वार्ड 13। हम यहाँ से मातृशक्ति से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सफाई की व्यवस्था, क्योंकि हमको तो नहीं दिख रही, क्या सफाई की व्यवस्था ऐसी ही रहती है? गंदगी भी बहुत रहती है, सफाई कराओ हमारे मोहल्ले में, और पानी नहीं चढ़ता है सबसे ज्यादा। तो और आप बोलो, वार्ड पार्षद को इसके बारे में बताया समस्या का? भाई समस्या हम पार जानती नहीं है कौन सा पास। हम लोग और लोगों से बात करते हैं, पर हम एक बार दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि एक बार वो दिखाएंगे किस तरह से ये तारे लटकी हुई है यहाँ पर। हम लोग और ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ इस वार्ड के वासी बैठे हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी स्थिति है इस वार्ड की। वेदिक, क्या स्थिति है आपके वार्ड की, आपके वार्ड पार्षद जो हैं उनका क्या, किस तरह कार्यकाल रहा है? 5 साल ऐसे निकल गए हैं, कोई कार्यकाल नहीं रहा, एक बार भी आके नहीं झाँका, यहाँ आके जीत के चल गए। एक बार वोटों के लिए तो सब आते हैं, हाथाजोड़ी करते हैं, लेकिन कोई विकास नहीं करते हैं। ये गलियों की हालत, नालियाँ टूटी पड़ी है, पानी आता नहीं है, टंकी बनी पड़ी है ऊपर, लेकिन हमारे प्रेशर नहीं है पानी का बिल्कुल भी। बात ऐसी है सर जी भाई, आज 5 साल हो गए अपने जो भी पार्षद है अपने इस एरिया के, उन्होंने कोई हमारे समस्या का हल किया नहीं। पानी की समस्या इतनी है, ये देख लो बिजली के तार कितने लगे हुए, हमारे छोटी मोटी बहू बेटी पानी भी भरती है तो फिसल के गिर जाती है, और पानी की टंकी ये पास में लगी हुई है, पानी की टंकी पास में ही है, पानी की टंकी पास में होने के कारण भी ये समस्या हमारी। सफाई की क्या स्थिति है, आपने उनको कभी सफाई के बारे में बताया है? सफाई तो थोड़ी चलती रहती है, सफाई का काम तो कई, अगर हम देखते हैं कि जो मेन सड़क है वहाँ पर सफाई काफी अच्छी है, परंतु अगर पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ सफाई की थोड़ी खराब दिख रही है अभी। हाँ, इन दोनों खराबी, पार्षद तो ध्यान देता नहीं, पार्षद को तो बस खाली जब वोट मांगे जब आया, अब कुछ दिनों में पार्षद दिखना आना चालू हो गया कि दिख रहा है कि आप पार्षद है। रोड भी बन रहा है तो रोड अभी आप लोगों के कहने पे बनाया गया है यहाँ पर? ये तो कहने पे बनाया, तो उसकी एप्लीकेशन दी गई है, इसके लिए ये रोड बन रहा है, ये देख लो उसका रोड बताओ, उसने बनाया उसने पावर, उसका लाइन ने डली थी लाइन की, उसके कारण ही बना हुआ रोड दोबारा। और सफाई की व्यवस्था बहुत विकरेट है, सफाई की व्यवस्था तो मेन तो पानी की है, टंकी पास में होते भी प्रेशर नहीं आ रहा घर के पास में, मेरा घर नीचे है, थोड़ी पास वहाँ तक प्रेशर नहीं आता, मोटर लगा के पानी भरना पड़ता। यहाँ पर स्थिति ऐसी लग रही है कि यहाँ पर सभी लोगों को ज़्यादातर जो दिक्कत है वो पानी की ही समस्या है। हम लोग और लोगों से भी बात करते हैं, मातृशक्ति से हम लोग बात करते हैं कि क्योंकि पानी की समस्या जो है वो मातृशक्ति के लिए बहुत ही विकट होती है, उनको खाना बनाने से लेकर सारे कार्य पानी से होता है, और बिना खाने के कार्य चलता नहीं है, तो इनको कैसी दिक्कत आती है? जी हमारे को तो बहुत दिक्कत है, हम घूंघट लगा के पानी भरते हैं, बड़े छोटे साथ में सब एक साथ होते हैं, किसी के धक्का लगता है, किसी के धूम लगता है, गंदगी भी बहुत, देखो गंदगी भी बहुत है, नाली भी सही नहीं है, बहुत आल हमारा ख़राब है इधर, पानी का तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से। पार्षद को बोला है? हाँ बोल के आए हम, आता भी नहीं अभी, 2-3 दिन से तो आ रहा है लेकिन वैसे नहीं आता, और अभी तो आ रहे हैं वो लोग, और वैसे बिल्कुल भी नहीं आते, हम जाके आते हैं ना तो भी नहीं आते, आज के एक साल पहले वो पार्षद सुना ही नहीं करता, वो आके चल जाता बस, नीचे के नीचे बग जाता, गली की नाले की देखो, नल तार आर के सब ऊपर जाइए, सब ऊपर चल के देखो इस नाले की हालत, देखो आप नाला देखो कचरा इतना भरी हुआ है, सारे आदमी रहता है कोई जानवर रहता है। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरी जो लाइनें लगी है तारों की, किस तरह से तारों का जंजाल लगा हुआ है, और यहाँ से किसी तरह से इन तारों के द्वारा करंट लेने की कोशिश की जा रही है। क्यों लगी हुई है इतनी सारी तारें? पानी ठेड़ छड़ता ही नहीं है, प्रेशर आ रहा नहीं है, पास में टंकी होते हुए भी पानी बिल्कुल भी नहीं आता हमारे तो पास, ये जो आपने तारे लगा परेशान हो के क्या करें, मोटर लगाने पड़ती है इसीलिए पानी आएगा, नहीं तो बिल्कुल पानी नहीं आता है, पानी तो चाहिए ना पीने के लिए, तो कैसे आएगा पानी, बिल्कुल ही नहीं है, सब टी आगे यहाँ पे खोल के करते हैं, कोई मोटर लगा के ठेड़ पहुँचाता है, ये पास में घर है यहाँ तक पानी नहीं आता सर, ये देख लो ये पाइपलाइन मेरा घर, यहाँ पे मैं मोटर लगाता हूँ तब पानी आता, नहीं तो बिल्कुल नहीं आता। तो हम लोग हैं वार्ड नंबर 13 में, और हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं और वार्ड में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। बताइए भैया, 5 साल आपका कैसा रहा वार्ड पार्षद का?
सर ये जो 5 साल रहा बाढ़ पार्षद का, हमारे बाढ़ पार्षद का संतोषजनक नहीं रहा। संतोषजनक ऐसे नहीं रहा कि हमने उनको कई मर्तबा अवगत कराया कि वार्ड नंबर 13 के अंदर टोटल एससी के लोग रहते हैं, 90% एससी की सीट होती है, प्लस यहाँ वाल्मीकि समाज से लोग रहते हैं जो कि सफाई का कार्य करते हैं, नगर निगम अजमेर में सफाई की सेवा देते हैं। उस काम के लिए हमने हमारे पार्षद को साथ लेकर के जो नए अभी श्रम मंत्री हैं टीकाराम जूली जी, उनको भी हमने एक श्रम मंत्रालय को एक एप्लीकेशन दी थी कि भाई जो सफाई कर्मचारी है उनकी मजदूर डायरी बनाई जाए, लेकिन आज तक वो मजदूर डायरी नहीं बन पाई सर। तो आपने अपने पार्षद से इस संबंध में बात करी है? बिल्कुल करी है सर। अच्छा सफाई व्यवस्था किस तरह की है आपकी, सफाई व्यवस्था में क्या वो आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि आपको खुद को पता है सफाई की क्या स्थिति होनी चाहिए, तो आपके इलाके में किस तरह की रहती है सफाई की व्यवस्था? सर हमारे अभी हाल फिलहाल जब से नगर निगम की नई भर्ती हुई है, सफाई कर्मचारी नए आए हैं तो कर्मचारी बढ़कर लगे हैं, तो हिसाब से संतोषजनक सफाई है। नालियां वगैरह क्या वो समय पर मतलब सही है, उसमें कचरा वगैरह तो नहीं रहता ऐसी स्थिति? नहीं नहीं सर सही है, बिल्कुल सही, सब बढ़िया है, बिल्कुल है। मतलब आपकी मेन जो आपको दिक्कत है पार्षद से वो ये है कि उन्होंने डायरी अभी आप तक नहीं बनाई? आज तक नहीं बन पाई सर, और जो टोटल इस बाढ़ के अंदर जो लोग रहते हैं वो सफाई श्रमिक है। अच्छा यहाँ पर कई लोग बता रहे हैं कि पानी की बड़ी समस्या, गंदा पानी भी आता है और पानी चढ़ भी नहीं पाता, आपके इस इलाके में क्या है? सर पानी की तो बरसों से बहुत बड़ी विकट समस्या है। हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर एक टंकी बनाई गई थी, उसका आज तक सीधा फायदा हमें नहीं मिल पाया है। वाल्मीकि समाज की बस्ती में ये टंकी बनी है और इसका फायदा आज तक वाल्मीकि समाज को नहीं मिल पाया है। ये जो टंकी की लाइन है ये सीधी सीधी शांतिनगर मलुसा रोड कैसरगंज के साइड डिग्गी बाजार की तरफ इस तरफ इस लाइन के पानी को उतार दिया गया है और यहाँ के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया है। आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से आपके जो पार्षद है उनका चुनना तय है आप लोगों के द्वारा? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या आप काफी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया, सफाई भी करी है? हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं किया, सफाई नहीं हुई आपके? नहीं, सफाई के अलावा बहुत से काम नहीं हो चुके इसलिए बोल रहे हैं। अभी ये टंकी बनाई थी वहाँ पे, आप कल ना लाएंगे आप देख रहे हैं लोग आप मशीन नीचे रोड पे पानी भर के ऊपर लेके जाते हैं, इसलिए पानी की समस्या बहुत है हमारे यहाँ पे। पहले से आर्थिक स्थिति खराब है यहाँ की ये सर 96 के बाद तो अभी तक नाली का भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो यहाँ के जितने भी वार्ड वासी है आप लोग सुन सकते हैं इन सबका, क्योंकि ये सब ही जो इस वार्ड के वासी है ये सब कर्म मजदूर है और इन लोग के मजदूर डायरी अभी तक नहीं बन पाई है ऐसा इनका कहना है। हम लोग और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, यहीं पर एक दुकान भी है, हम इनसे भी ज़रा पूछते हैं, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों ने जिस तरह से इस इलाके में ही इनकी दुकान है, तो इनको कैसा इनके क्या विचार है यहाँ के वार्ड पार्षद के बारे में? हेलो हम वार्ड पार्षद, क्या वार्ड पार्षद मतलब उनका 5 साल कार्यकाल कैसा रहा, सफाई व्यवस्था किस तरह की रखी? यहाँ का तो कोई ध्यान देता नहीं है। अच्छा। बाकी आगे क्या होता है यह हमें मालूम नहीं है। लोग वहाँ कह रहे हैं कि पानी की बड़ी समस्या आती है, कि आपके यहाँ पर भी ऐसी कुछ स्थिति नहीं है? लेकिन बहुत कम है, लेकिन यहाँ है सही है, लेकिन इतनी भी समस्या नहीं है भाई, ऊपर पानी पे पानी नहीं जाता है, पानी नहीं जाता है पानी यहाँ पे तो आता है, पानी भी नहीं जाता है। आपके वार्ड पास कितनी बार आपसे आके मिल चुके हैं? हाँ हमसे एक बार भी नहीं मिला है, एक बार भी नहीं मिले। मातृशक्ति से भी हम बात करेंगे, आपका क्या कहना है, आप इसी वार्ड से हैं? मैं तो इधर रहने वाला हूँ, मलुसर रहने वाली हूँ, दुकान यही है मलुसर पे। तो आपकी दुकान यहीं पर है तो वार्ड पार्षद से मिलना जाना तो होता होगा आपके यहाँ? होता है, सबसे मिलता है, सबसे मिलता है। तो मिक्स हमको यहाँ की प्रतिक्रिया मिल रही है, लोगों का कहना है कि वो आते हैं और कई लोग कह रहे हैं कि वो नहीं आते हैं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी क्या स्थिति है, कैसा है यहाँ के वार्ड पार्षद के बारे में लोगों का विचार, आइए चलते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. ये है वार्ड 13 की वो टंकी जिसके बारे में सभी लोग कह रहे हैं कि ये टंकी अभी नई बनी है, और नई टंकी बनने के बावजूद भी, इस टंकी के नहीं बनने के बावजूद भी यहाँ पर जो क्षेत्रवासी है उन लोगों को पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। अभी जैसा हमने आपको दिखाया कि कितने सारे पाइप पड़े हुए हैं रास्ते में, और उन पाइपों के द्वारा और मोटरों के द्वारा यहाँ पर पानी चढ़ाया जाता है, इसी समस्या है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं मातृशक्ति, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसी स्थिति है यहाँ पर, और जो वार्ड पार्षद है
उनके द्वारा इनको किस तरह से राहत पहुँचाई जाती है या नहीं पहुँचाई जाती, दोनों बातें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पानी की बहुत परेशानी है, पहाड़ी पर बैठे हैं, देखो पानी चढ़ता ही नहीं हमारे, और दो दो मशीन लगाते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं, कभी पानी आता कभी नहीं आता सब, और यहाँ से सप्लाई नहीं दी, और सप्लाई वो नीचे से कर दी, ऐसे करो इस गली में से। तो आपने पार्षद को इसके बारे में समस्या बताई? बताया बताया हमने, पर वो सुनाई नहीं हमारी, तो क्या करें, बस बोर्ड लेने नहीं, उसके बाद सुनाई नहीं है उनकी, बोर्ड लेने की टाइम तो हाथ पंजे जोड़ते हैं, उसके बाद हमें पूछते भी नहीं है, आते ही नहीं सब। तो माता जी आप बताओ कि आपके जो पार्षद हैं आपने उनको कितनी बार इसके पानी की समस्या के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा तो जो समस्या पानी की है, ज्यादा समस्या पानी की है आपने, और कहीं भी नहीं है, कोई काम पड़ जाता तो गाड़ियाँ मंगवाते, मोल ट्रक मंगाता पानी का, शादी ब्याह के मायने भी, अरे इतनी मुसीबत है कि गर्मी के मायने तो क्या पानी खोद खोद पानी काटा। ये वो इलाका है, यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो अजमेर शहर में सफाई की व्यवस्था को देखते हैं, इनके कारण ही मोदी जी का, पीएम मोदी का वो सपना स्वच्छ भारत का साकार हो पाता है, परंतु ऐसा माना जा रहा है और यहाँ के लोगों का भी ऐसा ही कहना है कि वार्ड पार्षद की अनदेखी के कारण इनके इलाके में, इन्हीं के इलाके में इतनी गंदगी है, जिनके कारण, जिन्हें की स्वच्छता का सिपाही कहा जाता है, जिन्हें की जिनके बारे में कहा जाता है, जिनके कारण ये अजमेर शहर और पूरा देश साफ है, साफ सुथरा है, उन्हीं के क्षेत्र में इतनी गंदगी है। हम देखेंगे और आगे चलते हैं कि वास्तव में बाकी का वार्ड किस तरह का है, आइए चलते हैं। इस इलाके में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक दीवार थी जो टूट गई है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ इस दीवार से कई लोग गिर भी चुके हैं, बच्ची भी आपको दिख रहा है, कितनी खतरनाक स्थिति है यहाँ पर, जब बच्चे मत करो इसको, पीछे हो जाओ, ये कितना खतरनाक स्थिति आप देख सकते हैं कितनी गहरी है। मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार नीचे दिखाएं, अगर ये ऐसे ही ये छोटे बच्चे यहाँ पर रहेंगे खेलेंगे तो कितनी बुरी स्थिति हो सकती है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा ये जो दीवार का क्या बारे है, इस दीवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि दीवार के कई लोग यहाँ गिर चुके हैं, कई लोग सुबह नगर निगम में सब कार्यरत करते हैं सारे यहाँ पर कर्मचारी, सुबह अंधेरे में 5 बजे उठकर वो अपने शहर को स्वच्छता के लिए निकलते हैं, पर ये अंधेरे से निकलते हैं, यहाँ से 2-3 बार ऐसा हादसा भी हो चुका है, गिर भी गए इससे यहाँ से, परंतु प्रशासन ने अभी तक या और पार्षद को कई बार लिख कर भी दे दिया कि इस दीवार को सही करा जाए, ये भी जो लगाई रहेंगी ये भी हमारे ही लोगों ने कनेक्शन करके और इसको लगाया, हम ही लोगों ने लगाया इसको, ये चेन ला के मैंने लगाई, लड़का गिर गया था यहाँ से, तब चेन खरीद के लाया हूँ, चेन भी हमें खरीद के लगाई। इस दीवार के लिए पार्षद से बात करी, सबसे बात कर चुके हैं, सबको बता चुके हैं, सब सिर्फ बोट के टाइम आते हैं और वापस भूल जाते हैं। और दूसरी बात, हमारे टंकी यहाँ है, टंकी हमारे लिए बनी है, टंकी हमारे लिए बनी, लेकिन आज भी हम पानी ऊपर चरी से बंटे से भरते हैं, यानी कि पूरी बस्ती इधर की पानी सिर्फ पानी बाल्टियों से भरते हैं, आज भी हम परेशान हैं। इस दीवार के बारे में नगर निगम के जयन साहब को भी लिखित में दिया है और उनको बताया भी और मौका मुआवजा भी करवाया उनको, बोले ठीक है करवा देंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उधर से गिरे भी कई बार बच्चे भी गिर गए थे यहाँ से, और ये चेन लगाई, फिर ये बंदा यहाँ से गिरा हुआ है और यहाँ से गिर के और 3-4 दिन में होश में आया था ये, और इससे पहले गिर के यहाँ व्यक्ति मर चुका है, काफी विकट समस्या है, दो व्यक्ति मर चुके हैं। इस दीवार के बारे में हमने जाना कि कितनी भयावह स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि मुझे खुद ही को देखकर यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा है, और काफ़ी कितनी गहरी अभी हमारे कैमरामैन ने दिखाया, और वो भी काफ़ी ऐसी स्थिति में खड़े हुए हैं, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो भी थोड़ा पीछे हो जाए, क्योंकि ये वास्तव में बहुत भयानक स्थिति दिख रही है। यहाँ से हम आगे चलेंगे और आगे चल के देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थिति है इस वार्ड की। उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 8114-82312. Hum is ward 13 mein chal rahe hain aur aap dekh sakte hain ki kitni पतली गलियां हैं, सड़कें पूरा का पूरा ये सीढ़ियां बनी हुई है, इसी तरह से गलियां चल रही हैं। मैं कैमरामैन को लूँगा, मेरे साथ चलें, हम लोग देख सकते हैं कि कितनी संकरी गलियां हैं, और अगर हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहां पर इस तरह के ये पाइप पड़े हुए हैं
जिसके द्वारा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इन्हीं पाइपों के द्वारा यहाँ पर पानी चढ़ाया जाता है। जबकि हम लोगों ने यहाँ पर वो नई टंकी देखी है जहाँ से पूरे इस इलाके में पानी भेजा जाता है। उसके पश्चात भी इन लोगों को, जिनके लिए टंकी बनी हुई है, उन्हीं लोगों को यहाँ का ये पानी नसीब नहीं हो पा रहा है।